हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैरिटी इन फिजिक्स। मैं श्रवण आज आपको बताऊंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आपको बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ए, थोड़ा आगे से खोदो, आने दो खोद दो, ये सारा उड़ा दो। हाँ, क्या कर रहे हो भाई यार? हाँ? क्या कर रहे हो? जेसीबी गड्ढा खोद रहे हैं भाई, देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कुछ काम नहीं है आपके पास? हाँ, चलो आने दो। ए सांत्रा भैया, काम बहुत है हमारे पास। सो यार, अभी आपने देखा कि मैं एक जगह खड़ा होकर एक जेसीबी को देख रहा था, यानी कि वो जेसीबी हुई ऑब्जेक्ट, मैं हुआ ऑब्जर्वर, और मैं उसको देख रहा था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं उससे ऑब्जर्वेशन ले रहा था। तो देखो यार, फिजिक्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि अ फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि इस केस में देखो अभी क्या हुआ, एक फ्रेम, यानी कि एक फ्रेम जिसके अंदर एक ऑब्जर्वर हो, यानी कि मैं था, एक ऑब्जर्वर हो और क्या कर रहा हो, ऑब्जर्वेशन ले रहा हो, तो उस फ्रेम को क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे वाले केस में कौन था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं कहां खड़ा था, ग्राउंड पे खड़ा था, तो वो ग्राउंड क्या हो गया, पूरा वो फ्रेम हो गया, ठीक है, उसके अंदर मैं था, यानी कि एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड और ऑब्जर्वेशंस ले रहा था, ठीक है, तो वो फ्रेम, वो ग्राउंड क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम चीजों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं कि वो चीज या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस जगह पर हम बैठे हैं या जिस जगह पर हम खड़े हैं, तो उस जगह को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि अगर मेरे सामने से कार जा रही है और मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, तो मुझे वो कार मूव करती हुई दिखेगी या रेस्ट पे दिखेगी? ऑब्वियस सी बात है यार, वो मूव करती हुई दिखेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं कहां बैठा हूं, मैं बैठा हूं ग्राउंड पे, तो ग्राउंड क्या हो गया, मैं जिस जगह पे बैठा हूं यानी ग्राउंड पे बैठा हूं, तो ग्राउंड क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, यानी कि उस ग्राउंड के हिसाब से कार क्या करेगी, मूव करती हुई दिखेगी। दूसरी बात ये कि इस बार मैं खुद उस कार के अंदर बैठा हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में, अब ये बताओ। फर्स्ट वाला तो इजी था ना, ये वाला बताओ। सो यार देखो, इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कार में बैठा हूं, तो मैं कहां बैठा हूं, कार में, तो कार क्या हो जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मैं चल रहा हूं या मैं रुका हुआ हूं, ये बताना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हुई, तो कार के हिसाब से तो मैं बैठे ही हूं ना उसके अंदर, तो कार के हिसाब से तो मैं रेस्ट पे ही हूं, तो मैं हुआ रेस्ट में और कार हुई मूविंग में। तो यहां से हमें दो बात पता चलती है, कौन कौन सी। पहली बात ये कि बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी बॉडी का रेस्ट में होना या फिर मोशन में होना मायने ही नहीं रखता। और दूसरी बात ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मूव कर सकता है, जैसे सेकंड वाले केस में कार खुद मूव कर रही थी ना, वही, मतलब खुद मूव नहीं कर रही थी, मतलब कार मूव कर रही थी, ठीक है। सो यार, फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एसोसिएट किया जाता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ और एक क्लॉक के साथ। क्लॉक इसलिए ताकि जो उस फ्रेम में, जो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी इवेंट हो रहा है, उसकी पोजिशन और उसके टाइम को मेजर करने के लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मूव कर सकता है, जैसे उस केस में कार मूव कर रही थी, ठीक है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे होते हैं या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, उनको ऑबे करते हैं। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो p के बदले हम क्या लिख सकते हैं, mb, तो क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, बचेगा dv/dt इज इक्वल्स टू f, ठीक है। dv/dt अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ केस में क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है,
डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो कुल मिला के फोर्स किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जब तक चलती रहेगी वो चलती रहेगी, या फिर रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ तो फोर्स जीरो है ना, कोई तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉस को फॉलो करते हैं। आपके एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक बॉडी रेस्ट पे है, मैं रेस्ट पे हूं, एग्जाम्पल हो गया इसका। अगर एक लिफ्ट मूव कर रही है, लिफ्ट रेस्ट पे है, लो लिफ्ट रेस्ट पे, लिफ्ट मूव कर रही है अप या डाउन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सो यार अब बात करते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड होते हैं उन्हीं को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है, ऑबे नहीं करते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, या फिर एक लिफ्ट ऊपर नीचे, मतलब लिफ्ट अप या लिफ्ट डाउन हो रही है कुछ एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं। इस पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लिफ्ट मूव करेगी ऊपर या नीचे, वो मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, और जो जो मैंने बोला है ना उसको इमेजिन करना, इमेजिन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक से, ठीक है।